न्यूज में आप लोग का स्वागत है और हम यहाँ आए हैं रिसोर पंचायत। रिसोर पंचायत में हम पाकुड़, यहाँ एक्चुअली पाकुड़ क्षेत्र पड़ता है। हम जनता से जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ ज़्यादा चर्चा किसका चल रहा है। हम जनता से जानकारी लेंगे और पूछेंगे जाकर। चलिए हम पूछते हैं। हमारे केंद्र सरकार भी है, जुमला तो चल ही रहा है, वो चलते रहेगा हमेशा। और हर नेता वैसे जुमलाबाज अब तो निकल ही गया। अभी राजनीति जो है वो देश का भलाई के लिए नहीं रहा, अब रहा कि वो बिजनेस हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति जिसमें रहे वही। और सरकार हेमंत होना चाहिए, हेमंत को। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। दूसरी बात है कि आप पाकुड़ जाइए या भरदवा आइए, या पीजी नहीं होता है। अगर मान लीजिए मेरी बहन पीजी करेगा तो उसके लिए जाना पड़ेगा, सबसे दिक्कत ये है। तो पाकुड़ क्षेत्रों में किसको लाना चाह रहे हैं, किसी को देख लगा दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम नौशाद अली है। तो नौशाद अली जी, 20 तारीख को इलेक्शन है, वोट है, तो आप सरकार को क्या बदलना चाहते हैं? आप सरकार को हम क्या बदलेंगे, सरकार को जनता बदलेगा। तो जनता को आप लोग तो वोट कीजिएगा ना। तो आप लोग वोट कीजिएगा तभी सरकार बदल जाएगा। तो आप इसी सरकार को रखना चाहते हैं, इस सरकार से संतुष्ट है आप? संतुष्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं है। काम जो होना चाहिए था जिस साल तो वो हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ सबसे बड़ा ज़रूरत है कि आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। दूसरी बात है कि आप पाकुड़ जाइए या भरदवा आइए, या पीजी नहीं होता है। अगर मान लीजिए मेरी बहन पीजी करेगा तो उसके लिए साहेबगंज जाना पड़ेगा, सबसे दिक्कत ये। तो पाकुड़ क्षेत्रों में किसको लाना चाह रहे हैं, किसी को देखने आप देखेंगे? पाकुड़ क्षेत्र में किसको देखना चाहते हैं, जो जीतेगा उसी को देखेंगे। जीतेगा तो कोई किया, अब शाकिल अख्तर, अब वहाँ बताइए, दोनों का ज्यादा चर्चा हो रहा है। 50-50 है, कुछ कह नहीं जा सकता, 50-50। आप बता दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? मनीरुल इस्लाम जी, आप बताइए यहाँ का चर्चा बता दीजिए थोड़ा। आप क्या बताइए चर्चा, मतलब किसका ज्यादा हो रहा है, आशील का या आलम जी है? दौरा किए इधर से बिशुनपुर होते हुए जी, क्लास मुना जीवना तरफ से घूम का आए। हम तो निशत आलम का ही देख रहे हैं, निशत आलम जी का देख रहे हैं। अब निशत आलम इस बार क्या पक्का कंफर्म है, जीतेगी? जीतेगी ना। तो और सरकार कौन किसको लाना चाहते हैं? जो सरकार था उसी सरकार को लाना चाहते हैं। तो क्या क्या मुद्दा है उसका, जो काम किया है बहुत सारा, तो क्या आप उससे संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, और भी कुछ काम जो है बोलेंगे जाके नेता को, और भी सब है जो लीडर है सबको बोलना चाहते हैं कि वो अपना जो भी बाकी है, जो जनता का जरूरत का जो की है उसको लाए और जनता को सेवा दे। थैंक यू। अब क्या रिसोर पंचायत से आप निशत आलम इस बार क्या पक्का कंफर्म है, जीतेगी ना? तो और सरकार कौन किसको लाना चाहते हैं? जो सरकार था उसी सरकार को लाना चाहते हैं। तो क्या क्या मुद्दा है उसका, जो काम किया है बहुत सारा, तो क्या आप उससे संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। सर आपका नाम क्या हुआ बताइए, आपका नाम क्या हुआ? सबीर आलम जी, पंचायत से क्या इस बार जो मतलब बहुत जबरदस्त टक्कर है, जैसे 3 कैंडिडेट है, तो आप किसको चाहना था, मतलब लाएंगे इस बार पाकुड़ क्षेत्र में? हिसाब से तो निशत आलम जी को लाएंगे, बदलाव नहीं चाहते हैं। अच्छा काम किया, काम है कि आलमगीर आलम जो है तो हमारे देश में शांति शांति बहाल रहे, यही काम तो कोई नहीं करता। हमारे केंद्र सरकार भी है, जुमला तो चल ही रहा है, वो चलते रहेगा हमेशा। और हर नेता वैसे जुमलाबाज अब तो निकल ही गया, अभी राजनीति जो है वो देश का भलाई के लिए नहीं रहा, अब रहा कि वो बिजनेस हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति जिसमें रहे वही। और सरकार हेमंत होना चाहिए, हेमंत को। कितना 20 तारीख को इलेक्शन है, नवंबर को
मतलब और 10 दिन बाद तो हम जानना चाहेंगे इस इलाका जो रिसोर्ट पंचायत पड़ता है तो ज़्यादा इसका इस पार्षद क्षेत्र में किसका चर्चा है इस इलाका में? इसका चर्चा अभी तो अखिलेश्वर का ही है। अखिलेश्वर का चर्चा चल रहा है तो क्या इस जो सरकार है हेमंत सोरेन तो सरकार को क्या बदलाव लाना चाहते हैं? ये बदलाव लाना चाहते हैं हम लोग इसलिए जो यहाँ पर हम लोग का 25 साल से यहाँ पर आलमगीर आलम था, यहाँ विकास मंत्री हुआ, एक बार हुआ स्पीकर हुआ, एक बार मंत्री पद हुआ, फिर भी 25 साल से हम लोग को यहाँ गुमराह करके आदमी को रखा है। कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। ये आदमी का कोई यहाँ से कोई भी उसके बाद जो भी गाड़ी हुआ चल रहा था ये मार्केट में 5 साल से हम लोग का गाड़ी भी नहीं चल रहा है, ये भी सब बंद करवा दिया है कि हम लोग का बेरोजगार हो गया। जी सर, यहाँ हम लोग किस मुद्दे में वोट देंगे सर? इतना बड़ा हम लोग का नसीब में था जो पाकुड़ विधानसभा में यहाँ पर एक मंत्री मिला था हम लोग को, विकास मंत्री के हिसाब से मिला था, फिर भी ये जरा सा भी यूज नहीं किया जो यहाँ कोई विकास करे। और यहाँ पूरा मुस्लिम का वोट लेके वो जीतता है यहाँ पर पाकुड़ क्षेत्र में, फिर भी यहाँ मुस्लिम के लिए कुछ भी नहीं किया सर। तो इस विधानसभा में पाकुड़ क्षेत्र में आप यानी अकील अख्तर को जिताना चाहते हैं इस बार? जी, हम लोग बदलाव लाते हैं, आनंद लाना चाहते हैं सर। जी, इस बार अकील अख्तर जी एक बार जीता था, विधायक हुआ था, वो गुमानी नदी में बहुत बड़ा काम किया था वो सर, और मतलब अच्छा काम किया था। पाकुड़ का जो रोड बनवाया था वही बनवाया था सर, जो आपका राजग्राम जाने वाला रास्ता जो पुलवा था, बंगाल में ढुक कर 100 किलोमीटर घुस कर वो भी बनाया था, पुलवा बनाया था, जाने आने के लिए रास्ता बनवाया था सर। उस टाइम बहुत अच्छा काम हुआ था, उसके बाद से कोई भी कामें नहीं हुआ है सर। 2009 में जो जी सर हम लोग का बंगाल जो जा रहे हैं सर, अभी हम लोग का देखिए बंगाल में पड़ोसी है हम लोग का, यहाँ बहरमपुर में मेडिकल कॉलेज है सर, जंगीपुर में मेडिकल कॉलेज है सर, अपना मालदा में मेडिकल कॉलेज है सर। तो यहाँ हम लोग का इतना बड़ा मंत्री होते हुए एक मेडिकल कॉलेज करवाया नहीं, हम लोग का भविष्य जो जितना भी बच्चा है सब यहाँ पर पढ़ लिख कर यहीं पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बनता, कोई कुछ बनता, यहाँ का उम्मीद था बच्चा लोग का। तो आज हम लोग का आने वाला पीढ़ी को पूछेगा जो क्या तुम लोग को, हम लोग का बच्चा लोग पूछेगा जो आप लोग का ये नसीब में इतना बड़ा मंत्री आया था यहाँ पर, तो क्यों नहीं किया आप लोग का? तो हम लोग का दुर्भाग्य है सर कि हम लोग का इतना विकास मंत्री मिलकर भी हम लोग को कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आपका नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद सादिक है सर। आपका नाम मोहम्मद सादिक है सर। कौन पंचायत बता दीजिए? ये आपका रिसोर्ट पंचायत का सर। जी, थैंक यू, आपको धन्यवाद बात करने के लिए। और कोई है जो बात करने के लिए? और चलिए हम लोग चाहते हैं बदलाव बता दीजिए पंचायत को, बदलाव चाहते हैं आप बता दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? अपना क्या बदलाव लाना चाहते हैं पंचायत में, बाकी क्षेत्रों में क्या बदलाव?